हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे 4G से 4G पर ट्रैफिक कैसे शेयर करते हैं। अगर आपका किसी साइट पर ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है, ट्रैफिक हो गया है जिस पे हमारा लो थ्रूपुट मिलने लगा है, और नेबरिंग साइट में जो हमारी नेबरिंग साइट है, सेल हैं, उन पर क्या है, ट्रैफिक कम है। लेकिन कम होने के साथ साथ अगर ट्रैफिक थ्रूपुट उस साइट पर कम आ रहा है, तो हम उस पर क्या करेंगे, ट्रैफिक शेयर नहीं करेंगे। चलो, इससे आगे जानने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले जान लेते हैं, देखिए 4G ट्रैफिक शेयरिंग फॉर LTC क्या चीज़ है। देखिए, देयर आर मैनी वे टू इम्प्रूव थ्रूपुट इन 4G हुआवे। ठीक है, हुआवे के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम थ्रूपुट को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन कुछ मैं आज बता रहा हूँ उन्हें ध्यान से देखिएगा। जैसे कि बैंडविड्थ अपग्रेड करके हम थ्रूपुट इम्प्रूव कर सकते हैं, शेयर ट्रैफिक 4G to 3G, यानी अपने ट्रैफिक को 4G से 3G पर अगर हम शिफ्ट कर देते हैं तो भी थ्रूपुट आपका बढ़ जाता है। शेयरिंग ट्रैफिक 4G to 4G, हाई ट्रैफिक 4G सेल्स टू सराउंडिंग लो ट्रैफिक। ठीक है, अगर हमारे सेल पर हाई ट्रैफिक है तो उसके सराउंडिंग में जितने भी लो ट्रैफिक पिक वाले सेल्स हैं, उन पर हम ट्रैफिक को शेयर करके क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रूपुट को। पैरामीटर एडजस्टमेंट सच एज एक्टिव ईपी, एक एक बार ध्यान से देखिए, EPFENHANCED स्विच। ठीक है, क्या क्या चीज करना होगा इसमें, क्लियरिंग ओवरशूटिंग, अपग्रेड ट्रांसमिशन कैपेसिटी, फिजिकल ट्रैफिक शेयरिंग यानी एंटीना एडजस्टमेंट करके हम शेयर कर सकते हैं। ठीक, यूजर डाउनलिंक थ्रूपुट विल बी इम्प्रूव्ड बाय ट्रैफिक शेयरिंग ओनली इफ सराउंडिंग सेल्स आर इन लाइट लोड, यानी जो सराउंडिंग सेल्स हैं उन पर लोड कम है और नॉट हाई ट्रैफिक, ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है। बिकॉज ट्रैफिक शिफ्टिंग फ्रॉम सेल्स विद लो थ्रूपुट टू सराउंडिंग सेल्स विद लो ट्रैफिक एंड हाई थ्रूपुट, हम उसी पर शेयर करेंगे ट्रैफिक को, कि ऐसा ना हो नेबरिंग में जो साइट है उस पर ट्रैफिक तो कम है लेकिन थ्रूपुट नहीं आ रहा हो। अदर कंडीशंस भी हैं जिससे थ्रूपुट कम हो जाता है। ठीक है, तो नेबरिंग में जिस साइट पर थ्रूपुट अच्छा है, अच्छा खासा आ रहा है, और जो आपका ट्रैफिक है वो भी कम है, उस साइट पर हम शेयर करेंगे। चूज कैंडिडेट सेल्स फॉर शेयरिंग ट्रैफिक मैनुअली इन मैप टू मैक्सिमाइज द रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, हम ट्रैफिक को शेयर करेंगे मैनुअली। हेयर आर पैरामीटर सेटिंग दैट नीड टू बी सेट फॉर 4G शेयरिंग ट्रैफिक इन हुआवे LTE। ठीक है, हुआवे LTE के अंदर अगर हमें ट्रैफिक शेयर करना है तो उसके लिए यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं, जो यहाँ पे ये सीट दिख रही होगी आपको, ये चीज़ करनी है। पैरामीटर सेटिंग इन सेल्स LTC लो थ्रूपुट सेल्स, क्या करना है, देखिए सोर्स कंजेस्टेड, यानी जो हमारा सोर्स है जो कंजेस्टेड है, जिसपे थ्रूपुट कम आ रहा है, उसके लिए क्या क्या लिस्ट है, देखिए एनी नेम, सेल नेम, लोकल सेल ID, ये चीज़ आपको यहाँ पे फिल करनी है, MCC, MNC, सेल नेम एक्सेप्टर, इनोड BID, सेल नेम, सेल इंडिविजुअल ऑफसेट यानी बिफोर के लिए आई, सेल क्वालिटी ऑफसेट, सेल मेजरमेंट प्रायोरिटी आफ्टर, देन वही है सेल इंडिविजुअल ऑफसेट, सेल क्वालिटी ऑफसेट और सेल मेजरमेंट प्रायोरिटी, देन स्क्रिप्ट स्टार्ट करनी है। स्क्रिप्ट क्या है, देखिए स्क्रिप्ट फॉर सोर्स कंजेस्टेड सेल, जो सोर्स कंजेस्टेड सेल है उसके लिए स्क्रिप्ट क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मोड EUTRAN, इंट्रा फ्रिक्वेंसी, ठीक, एंड सेल, ये यहाँ पे लोकल सेल ID है, MCC, MNC, इनोड BID, सेल ID, सेल इंडिविजुअल ऑफसेट, सेल क्वालिटी ऑफसेट, सेल मेजरमेंट प्रायोरिटी, ये चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक, अब देखिए जो टारगेट सेल है उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, पैरामीटर सेटिंग इन कैंडिडेट सेल जिस पर आप ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक, शेयर कर रहे हैं, टारगेट नॉन कंजेस्टेड सेल, यानी टारगेट क्या है जो नॉन कंजेस्टेड है, उसके लिए एनी नेम होना चाहिए, एनी नेम, सॉरी सेल नेम, लोकल सेल ID, MCC, MNC, सेल नेम एक्सेप्टर, इनोड BID, सेल ID, वही सेल इंडिविजुअल ऑफसेट बिफोर के लिए, सेल क्वालिटी ऑफसेट, सेल मेजरमेंट प्रायोरिटी, देन स्क्रिप्ट, अब बिफोर और आफ्टर दोनों यही रखना है, स्क्रिप्ट फॉर टारगेट नॉन कंजेस्टेड सेल। ठीक है, जो टारगेट है हमारा नॉन कंजेस्टेड है उसके लिए स्क्रिप्ट क्या है, मोड EUTRAN, इंटर फ्रिक्वेंसी,
सॉरी इंट्रा फ्रीक्वेंसी एन सेल, यहाँ पे देखिए लोकल सेल आईडी, एमसीसी, एमएनसी, इनोड बीआईडी, सेल आईडी, सेल इंडिविजुअल ऑफसेट, सेल क्वालिटी ऑफसेट, ये चीज़ आपको यहाँ पे रखनी है। और फॉल बैक स्क्रिप्ट क्या है आपकी, मोड ईयू ट्रान इंट्रा फ्रीक्वेंसी एन सेल, लोकल सेल आईडी, एमसीसी, एमएनसी, इनोड बीआईडी, सेल आईडी, सेल इंडिविजुअल ऑफसेट, ये आपको पैरामीटर सेट करने हैं। ठीक, देन आप यहाँ पे देख सकते हैं उन पैरामीटर्स को, आपको स्क्रिप्ट को रन करा के आप यहाँ पे देख सकते हैं, हेयर आर द रिजल्ट आफ्टर शेयरिंग ट्रैफिक ऑफलोड, ट्रैफिक को ऑफलोड करके 4G ट्रैफिक टू सराउंडिंग्स जो साइट हैं उन पर, सेल्स हैं उन पर अगर हम शेयर कर देते हैं तो मोस्टली यूजर डीएल थ्रूपुट इम्प्रूव्ड इन सेल लेवल एंड ट्रैफिक मूव टू सराउंडिंग। ठीक है, सेल लेवल पे क्या हो जाता है, हमारा यूजर थ्रूपुट जो है इम्प्रूव हो जाता है। यहाँ पे देखिए बिफोर कैसा था, यहाँ पे थ्रूपुट आप देख सकते हैं, ठीक 80, 100, 120 यहाँ पे जा रहा है। ये टाइम और डेट यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, डेट एंड टाइम, ठीक। और इसके राइट में आप यहाँ पे देख सकते हैं आफ्टर क्या है, आफ्टर थ्रूपुट 120 तक यहाँ पे पहुँच रहा है 120, जबकि यहाँ पर 120 किसी में भी नहीं गया हुआ है, ठीक। और यहाँ पे 10 से भी नीचे जा रहा है 5 तक, यहाँ पे देखिए 20, 40 इस तरफ आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा होगा, ठीक। अब यहाँ पे आप पैरामीटर डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, जो पैरामीटर्स जो अभी मैंने बताए थे, जैसे सेल इंडिविजुअल ऑफसेट क्या है, सेल क्वालिटी ऑफसेट क्या है, सेल मेजरमेंट प्रायोरिटी क्या चीज़ है, और उनका रेडियो नेटवर्क पर क्या इंपैक्ट पड़ता है वो जानेंगे। पहला पॉइंट है सेल इंडिविजुअल ऑफसेट, इसका काम क्या है, इंडिकेट्स द सेल इंडिविजुअल ऑफसेट फॉर द इंटर फ्रीक्वेंसी नेबरिंग सेल विच इज़ यूज इन इवेल्युएशन फॉर हैंडओवर्स, ठीक। इट अफेक्ट्स द probability of triggering inter-frequency measurement report, a larger value of this parameter indicates a high probability, ठीक है। अगर इसकी value larger है तो वो कैसे करेगी high probability को, impact on radio network, इसका radio network पर क्या impact पड़ता है वो देखिए, a larger value of this parameter results in a larger probability of triggering measurement reporting and handovers, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ हैंड ओवर्स, ठीक। ए स्मॉलर वैल्यू ऑफ दिस पैरामीटर रिजल्ट्स इन द अपोजिट इफेक्ट्स, ठीक। वीदर द वैल्यू ऑफ दिस पैरामीटर इज टू लार्ज और टू स्मॉल द हैंड ओवर सक्सेस रेट डिक्रीजेस, ठीक। वीदर द वैल्यू ऑफ दिस पैरामीटर इज टू लार्ज और टू स्मॉल, चाहे इसकी वैल्यू ज्यादा हो या कम हो, द हैंड ओवर सक्सेस रेट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट आपका सेल क्वालिटी ऑफसेट, इंडिकेट्स द ऑफसेट फॉर द इंटर फ्रीक्वेंसी नेबरिंग सेल विच इज यूज्ड इन इवेल्युएशन फॉर सेल रीसेलेक्शन, ए लार्ज वैल्यू ऑफ दिस पैरामीटर रिजल्ट इन ए लोअर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। लार्ज वैल्यू होगी तो क्या होगी, लोअर प्रोबेबिलिटी होगी किसकी, सेल रीसेलेक्शन की। इफ दिस पैरामीटर इज नॉट सेट टू DV0, ठीक, इट डिलीवर्स इन SIF5, किस में आता है ये वैल्यू देखने को काम मिलेगी आपको SIF5 के अंदर, और जो डिटेल्स है डिटेल्स वो आप 3GPP स्पेसिफिकेशन TS36.331 में देख सकते हैं। इफ दिस पैरामीटर इज सेट टू DV0 इट इज नॉट डिलीवर्ड इन SIF5, ठीक। इन दिस सिचुएशन यू इज यूज 0 dB एज ऑफसेट फॉर सेल रीसेलेक्शंस, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा नेटवर्क पर वो जान लेते हैं। ए लार्जर वैल्यू ऑफ दिस पैरामीटर लीड्स टू ए लोअर प्रोबेबिलिटी ऑफ रीसेलेक्शंस टू एन इंटर फ्रीक्वेंसी नेबरिंग सेल्स, ठीक। ए स्मॉलर वैल्यू लीड्स टू द अपोजिट इफेक्ट्स, वीदर द वैल्यू ऑफ दिस पैरामीटर इज टू लार्ज और टू स्मॉल, द एक्सेस सक्सेस रेट ऑफ दिस इंटर फ्रीक्वेंसी नेबरिंग सेल डिक्रीज, ठीक। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, सेल मेजरमेंट प्रायोरिटी, ये क्या शो करता है, इंडिकेट्स द प्रायोरिटी ऑफ मेजरमेंट ऑन द इंटर फ्रीक्वेंसी नेबरिंग सेल। The inode B preferentially contains the information about a neighboring cell. With this priority set to high priority while delivering a measurement configuration. ठीक, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा नेटवर्क पर वो देख लेते हैं। इन द मेजरमेंट कॉन्फ़िगरेशन फॉर एन इंटर फ्रीक्वेंसी हैंडओवर द इनोड बी इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ए लिमिटेड नंबर ऑफ इंटर फ्रीक्वेंसी नेबरिंग सेल्स हुज सेल इंडिविजुअल ऑफसेट यानी CIO आर नॉट जीरो। इफ दिस पैरामीटर इज टू हाई यानी CIO इज हाई,
प्रायोरिटी एंड दिस नेबरिंग सेल हैज नॉन जीरो सी आई ओ, यानी सेल इंडिविजुअल ऑफसेट, इट इज मोर लाइकली दैट दिस नेबरिंग सेल इज इंक्लूडेड इन द मेजरमेंट कन्फिग्रेशन, देयर बाई इंक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइमली हैंड ओवर टू दिस इंटरफ्रीक्वेंसी नेबरिंग सेल. इफ द नेबरिंग सेल इज इवेंचुअली नॉट इंक्लूडेड इन द मेजरमेंट कन्फिग्रेशन, द यू ई यूज इज जीरो एज द सी आई ओ, यानी सेल इंडिविजुअल ऑफसेट फॉर दिस नेबरिंग सेल ड्यूरिंग हैंड ओवर इवेल्युएशन रिजल्टिंग इन ए डिलेड और प्रीमेच्योर हैंड ओवर टू दिस नेबरिंग सेल. ठीक, तो आज हमारी वीडियो में इतना ही. आज आपने जाना कि 4G से 4G पर या 4G से किसी लो ट्रैफिक सेल पर आप ट्रैफिक शेयर कैसे करते हैं. ठीक, तो आज हमारी वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें. धन्यवाद.